प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फिलामेंट। बच्चों, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिस युक्ति की मदद से हम प्रकाश सिग्नल को, चाहे श्रव्य तथा दृश्य संकेत कुछ भी हो, उन्हें उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से वांछित दूरी तक ले जा सकते हैं, जहां तक हम चाहें। वो दूरी चाहे कम हो चाहे अधिक हो। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है। बच्चों, आप जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल फिलामेंट है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है, जिसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर लिया जाता है और प्रकाश की किरणों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है। जैसे यहाँ आप देखिए, ये प्रकाश की किरण चली, ये यहाँ अगर हम अभिलंब मान लें तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर यहाँ अभिलंब तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ अभिलंब तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और दूसरे रास्ते पर ये निकल गई। आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, प्रकाशिक तंतु को। प्रकाशिक तंतु का सबसे पहला भाग जो हमारा मध्य भाग है वो है क्रोड होता है। ये देखिए आप ब्लैक में ये जो दर्शाया गया है, ये क्रोड है। ये देखिए यहाँ क्रोड है। इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है और ये उच्च गुणवत्ता वाले कांच, सिलिका या प्लास्टिक का बना केंद्रीय भाग होता है, और इसका अपवर्तनांक कितना है बच्चों, 1.5। तो 1.5 अपवर्तनांक वाला ये कांच, सिलिका या प्लास्टिक का बना केंद्रीय भाग है, ये वाला हिस्सा। ये काला वाला भाग जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्रोड है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। मतलब थोड़ा तुलनात्मक रूप से सघन होगा ये। इसके ऊपर क्लैडिंग है, ये नीला वाला भाग ये क्लैडिंग है, और इस क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक है वो 1.48 है। मतलब ये थोड़ा कम सघन है क्रोड की तुलना में। क्रोड का अपवर्तनांक 1.5, क्लैडिंग का थोड़ा कम 1.48। ये भी कुछ कम अपवर्तनांक वाला भाग है जो कांच या प्लास्टिक से बना हुआ होता है। और इसके ऊपर जो तीसरे नंबर पर यहाँ देखिए ऊपर की तरफ, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये सुरक्षा हेतु विद्युत रोधी पदार्थ का बना एक आवरण है। इसको हम सुरक्षात्मक जैकेट या बफर कोटिंग भी कहते हैं। तो बच्चों, ऑप्टिकल फिलामेंट या प्रकाशिक तंतु के तीन भाग हैं। एक है क्रोड जिसे हम कोर कहते हैं, इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। एक है क्लैडिंग जिसका अपवर्तनांक 1.48 है। और तीसरा है सुरक्षात्मक जैकेट जो इसके ऊपर आवरण का काम करता है। ये इसके अनुप्रस्थ काट देखिए, ये क्रोड, ये क्लैडिंग और ये सुरक्षात्मक जैकेट। यहाँ अनुदैर्ध्य काट में देखिए, क्रोड, क्लैडिंग और सुरक्षात्मक जैकेट। और ये अभी हमने जो बात की है कि प्रकाश, अब ये यहाँ मैंने अभी आपको बताया है कि ये क्रोड का जो म्यू है 1.5 है और क्लैडिंग का है 1.48। तो ये अपेक्षाकृत सघन है और ये अपेक्षाकृत उसके विरल है, मतलब कम सघन है। तो ये सघन है और ये, अभी मान लीजिए हम इसको कम सघन को विरल बोल देते हैं, तो ये सघन है और ये विरल है। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस जगह आएगी तो ये जो प्लेस होगा, या ये जो प्लेस होगा यहाँ देखिए, या ये जो प्लेस होगा, ये क्रोड और क्लैडिंग का अंतराप्रस्थ होगा। मतलब यहाँ पर क्रोड और क्लैडिंग आपस में मिल रहे हैं, उनका अंतराप्रस्थ है। तो इस अंतराप्रस्थ पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और इसको इसी प्रकार से बनाया जाता है प्रकाशिक तंतु को, कि प्रकाश का यहाँ बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मतलब जब भी प्रकाश इसके अंदर इंटर करेगा तो आपतन कोण का मान हर बार क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा और इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब देखिए बच्चों, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब इस चित्र में यहां देखिएगा, आप नीचे की ओर देखिएगा, तो ये हमारी प्रकाश की जो किरण है या प्रकाश के रूप में कोई संकेत, ये देखिए, ये एक उचित कोण, मतलब जो कोण इसके लिए उपयुक्त हो उस कोण पर, तंतु के एक सिरे पर हमने इस प्रकाश को यहां आपतित कर दिया है। अब ये जो प्रकाश की किरण है, ये देखिए इस तरह से आगे बढ़ी, और यहाँ आप देखिए कि ये यहाँ ये आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। तो यहाँ ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हुआ और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। बच्चों, तंतु की हम बनावट ही ऐसे करते हैं। ये क्रोड और क्लैडिंग का अंतराप्रस्थ है, यहाँ पर दोनों मिलते हैं, क्रोड और क्लैडिंग दोनों मिलते हैं, ये वाला स्थान जहाँ क्रोड और क्लैडिंग दोनों मिलते हैं। तो नेचुरली अब ये जो मीडियम है, अभी आपका जो क्रोड का है ये सघन है और क्लैडिंग का जो इसके ऊपर है वो विरल है, तो
सघन से विरल में जाते वक्त जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो प्रकाश की किरण को उधर नहीं जाना है, वापस नीचे आना होगा। जैसे यहाँ देखिए क्रोड और ये क्लैडिंग, तो अब ये प्रकाश की किरण वहाँ नहीं जाएगी बल्कि इधर आएगी। तो ये बच्चों प्रकाशिक तंतु की बनावट ही ऐसी रखते हैं कि एक ओर के पृष्ठ का जो पृष्ठ पर जो एक ओर का जो आंतरिक पृष्ठ है उस पर से जब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगी किरण, तो दूसरे पृष्ठ पर भी प्रकाश की जो ये किरण है ये क्रांतिक कोण के अधिक कोण से अधिक कोण पर ही आपतित होगी। तो इस प्रकार फिर इसका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, फिर यहाँ ये क्रांतिक कोण के मान से अधिक कोण पर ही आपतित होगी अगले पृष्ठ पर भी, तो फिर आंतरिक परावर्तन होगा। तो इस तरह से प्रकाश की किरण का लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और चूंकि बार प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है इसलिए प्रकाश की तीव्रता में भी कोई खास कमी नहीं आती। अब देखिए ये प्रकाश की किरण आई है और ये यहाँ इसने ये क्रोड और क्लैडिंग के अंतरा पृष्ठ पर ये प्रकाश की किरण आपतित हुई है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है, तो अब देखिए प्रकाश की किरण का ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और ये प्रकाश की किरण यहाँ आ गई। अब ये यहाँ पर जो है यहाँ देखिए आप इस अगले पृष्ठ पर भी आप देखिए ये प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर ही आपतित हो रहा है, इसका फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब यहाँ भी ये वही स्थिति रहेगी, आईज मोर देन सी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक, फिर ये प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और ये लगातार इस तरह से प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए अंत में प्रकाश की किरण यहाँ से बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि प्रकाश की किरण का, कि प्रकाश को जब एक संकेत के रूप में किसी उचित कोण पर तंतु के एक सिरे पर इस तरह से आपतित किया तब ये प्रकाश की किरण उसकी लंबाई के अनुदिश बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है तथा आखिर में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। इस प्रकाशिक तंतु की बनावट ही बच्चों ऐसी रखते हैं कि एक ओर के आंतरिक पृष्ठ पर यह जब पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है तो दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर ही आपतित होता है तथा इस प्रकार आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इस प्रकाश संकेत की तीव्रता में भी कोई खास कमी इससे नहीं आती है। बच्चों प्रकाशिक तंतुओं के जो उपयोग होते हैं उनका बड़े पैमाने पर हम प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग करते हैं, काफी बड़े पैमाने पर प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग विद्युत संकेतों जिन्हें हम उचित ट्रांसड्यूसर द्वारा प्रकाश में परिवर्तित कर लेते हैं के प्रेषण और संप्रेषण और अभिग्रहण में भी किया जाता है। विद्युत संकेतों का हम उसको क्या करते हैं, विद्युत संकेतों को पहले ट्रांसड्यूसर द्वारा प्रकाश में बदल लेते हैं और फिर प्रकाश के रूप में ही उन विद्युत संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज देते हैं। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग प्रकाशिक संकेत के प्रेषण में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इन्हें हम शरीर के आंतरिक अंगों जैसे ग्रसिका आमाशय तथा आंत्रों के दृश्य अवलोकन के लिए लाइट पाइप के रूप में भी उपयोग में कर सकते हैं। मतलब शरीर की जो आंतरिक संरचना है हमारी उसमें हमारी ग्रसिका हमारा आमाशय हमारी आंत्र इसका अगर हमें अवलोकन करना हो तो ये प्रकाशिक तंतु जो है ये प्रकाशिक तंतु लाइट पाइप के रूप में हम उपयोग में ला सकते हैं। फिर बच्चों अगर आप चिकित्सा के उद्देश्य से शरीर में लेजर लाइट को ले जाना चाहते हैं तब भी आप प्रकाशिक तंतु का उपयोग ले जाने के लिए कर सकते हैं। फिर साथ ही हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग कर सकते हैं फोटोमेट्रिक सेंसर्स के रूप में। जैसे अगर आप फोटोमेट्रिक सेंसर्स क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आप हार्ट में ब्लड के फ्लो को मेजर करना चाहते हैं तो ये उसमें भी उपयोगी रहेगा। और साथ में बच्चों रिफ्रेक्टोमीटर के रूप में भी इसका उपयोग होता है। मतलब जैसे आप किसी लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो उसको भी मेजर करने में या ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही जो बच्चों प्रकाशिक तंतु है उसके कई सारे उपयोग हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में प्रकाशिक तंतु के कई तरह से उपयोग किए जाते हैं और हमें इन प्रकाशिक तंतुओं के महत्व को समझना होगा। और मुख्य रूप से बच्चों ये
प्रकाशिक तंतु का उपयोग प्रकाशिक संकेतों के संप्रेषण और अभिग्रहण में होता है, और जो वैद्युत संकेत होते हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर्स का यूज करके प्रकाश में परिवर्तित कर लेते हैं, और फिर विद्युत संकेतों का भी संप्रेषण और अभिग्रहण इन प्रकाशिक तंतुओं के माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद।